रीवा में पान की गुमटी बनी आग का गोला, अवैध रूप से पेट्रोल बेचना पड़ा भारी, मिनटों में हजारों रुपए का माल स्वाहा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के चाकघाट थाना अंतर्गत बघेड़ी गांव में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई। देखते ही देखते मिनटों में कपड़े की दुकान सहित गुमटी जलकर राख बन गई। सूत्रों की माने तो अवैध रूप से दुकान संचालक पान की गुमटी में पेट्रोल रखकर डंके की चोट पर बेचता था। नतीजन पान की गुमटी में हल्की सी उठी चिंगारी मिनटों में आग का गोला बन गई। दावा है कि गैलन का पेट्रोल गिरते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिससे नगर में अफरा तफरी मच गई। अन्य दुकानों की ओर बढ़ रही आग को देखते हुए चाकघाट नगर परिषद का दमकल वाहन पहुंचा, जिसने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। चाकघाट थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया कि गुरुवार के दोपहर 12 बजे के आसपास कपड़े में प्रेस करने वाली दुकान पर शॉर्ट सर्किट की चिंगारी उठी है। वहीं बगल में पान की गुमटी चलाने वाला दुकानदार एक बोतल में पेट्रोल रखे हुए था, जिससे आग पेट्रोल को आकर्षित कर पान की गुमटी पर फैल गई। कुछ देर बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पुलिस के मुताबिक कपड़े की दुकान में रखे हजारों रुपए के शर्ट व पैंट जलकर नष्ट हो गए। साथ ही गुमटी में रखकर पान सहित किराना का सामान बेचने वाला दुकानदार भी जद में आ गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। सूत्रों में चर्चा है कि जिले भर में पान की गुमटी चलाने वाले 10 से 20 रुपए लीटर फायदे के लिए पेट्रोल अवैध तरीके से बेचते हैं। हालांकि गरीबी देखकर पुलिस प्रशासन परेशान नहीं करता है, लेकिन गुरुवार की दोपहर ये लापरवाही चाकघाट के लोगों को भारी पड़ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।